जी कैफ सिक्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसके कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाने के लिए, और कुछ आपको सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पर भी दिए हैं। आज के दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फिर कल हम कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि क्लास में एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया जाए। मैं सेलेक्ट करके जो मेरे ख्याल में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे वो क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। हाँ, उसमें जो एडजस्टमेंट्स होती होंगी वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन को पहले कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं, उसमें एक एक चीज़ को जो कंसेप्शन इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आगे जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होंगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर कुछ आपसे डिस्कस कर दूंगा कि इसमें ये एडजस्टमेंट है, इसका ये करना है, इसमें ये एडजस्टमेंट है, इसका ये करना है। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम्स हैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्लियर हो गया? इस बात को तो आप एक्नॉलेज करते हैं ना कि हर क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि हमारे साथ तकरीबन 100 के करीब लेक्चर्स हैं, तो हर क्वेश्चन क्लास में तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कुछ आपने खुद से भी करनी होगी। लेकिन अभी जो मैंने होम असाइनमेंट का आपसे पूछा है तो मैं बड़ा मायूस हूँ देख के कि आपने होम असाइनमेंट नहीं की। तो चले कोई बात नहीं, कल किसी वजह से शायद मसरूफ हो, आप ना कर सके हो तो आज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज जो होम असाइनमेंट आपने करनी है ना, वो कल वाली नहीं करनी, वो कल वाली और आज वाली दोनों करने। कल सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 3 थे, आज 2 और उसमें ऐड हो गए, 4 और 5। अब चलते हैं, आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 45 और 49। चलते हैं पहले 45 की तरफ। ये है एग्जांपल 45 आपके सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हुए आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आईकैप के क्वेश्चन करते हुए उसका कुछ पता नहीं चलता, क्वेश्चन कहाँ पे खत्म करता है, सॉल्यूशन कहाँ से शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि जहां पे वो एनालिसिस शुरू करता है ना क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। A company is considering an investment in an item of equipment costing ₹150,000. Investment करना चाह रहे हैं 150,000 की। इसका मतलब है पता चल गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। 150,000 की, 150,000 क्या होगा? Year not में outflow. The equipment would be used to make a product. Selling price of the product at two days price को underline कर लें। इससे मुझे पता चल गया ये inflation वाला question है। इससे पहले हमने class में कोई inflation वाला question तो नहीं किया हुआ ना? इन्फ्लेशन वाला क्या? हाँ, वो एक छोटा प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। हाँ, छोटा, बिल्कुल। तो ये अब अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें इन्फ्लेशन का एक ही रेट था सबके लिए। अच्छा ठीक है, इसमें शायद डिफरेंट रेट्स हो, ये इस लिहाज से डिफरेंट है। तो द इक्विपमेंट वुड बी यूज्ड टू मेक ए प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट टू डेज प्राइस आज की वुड बी ₹10 पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने इसे ईयर नॉट में 10 है, ईयर वन में जाके कितनी हो जाएगी? 10 प्लस इन्फ्लेशन एक साल की। ईयर टू में जाके कितनी हो जाएगी? 10 प्लस इन्फ्लेशन दो साल की। ईयर थ्री में 10 प्लस इन्फ्लेशन तीन साल। ईयर फोर में 10 प्लस इन्फ्लेशन चार साल की। ये क्लियर हो गया, सेल प्राइस क्लियर होगी। फिर एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल कैश कॉस्ट वुड बी ₹6, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? आज की कीमत में ₹6 है, तो साल के बाद जो कॉस्ट होगी 6 प्लस एक साल की इन्फ्लेशन, दो साल ईयर टू में क्या होगी? 6 प्लस 2 ईयर इन्फ्लेशन। ईयर थ्री में क्या होगी? 6 प्लस 3 ईयर इन्फ्लेशन। और ईयर फोर में 6 प्लस 4 ईयर इन्फ्लेशन। ये क्लियर हो गया, सेल प्राइस पे भी इन्फ्लेशन आएगी, वेरिएबल कॉस्ट पे भी इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट वुड हैव ए 4 ईयर लाइफ, चार साल की लाइफ होगी। इस चार को देख के हमने 5 कॉलम बना लिए, इस चार को देख के हमने 5 कॉलम बना लिए। पांचवा कॉलम कौन सा वाला? हियर नॉट, ठीक है। और अगर कभी क्लोजिंग पेबल हो तो शायद हम छठा भी बना लें, जो कि क्लोजिंग पेबल अगले साल में पे होते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ सेल, तो इसका मतलब है पहले साल की सेल 20,000 होगी, क्यों? हाँ, यहाँ पे गौर से देखना है। कल आपको पता है 2-3 दफा मैं आपको गौर करवाया था इस चीज पे कि ये रुपीज है कि वॉल्यूम है, रुपीज है कि क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली यूनिट्स है, आपने इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना,
फिर इसके बाद आपकी सेल्स आएगी। क्लियर? ये तो ईयर वन की सेल है, ईयर टू की सेल, थ्री की सेल, फोर की सेल, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। एट टूडेज प्राइसेस, एट टूडेज प्राइसेस का मतलब क्या है? आज की जो की रियल प्राइस है, जो ठीक है, जो रियल है, ये अभी इन्फ्लेटेड नहीं है, ये नॉमिनल या मनी कैश फ्लो नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इक्विपमेंट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर फोर फॉर रुपीज 10,000। इक्विपमेंट चार साल के एंड पे कितने का सेल होगा? तो इसका मतलब है ईयर फोर के एंड पे 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 प्लस कितने साल की इन्फ्लेशन? चार साल की इन्फ्लेशन। देर विल बी एडिशनल फिक्स एसेट ओवर हेड रुपीज 50,000 ईच ईयर। एडिशनल के लफ्ज से क्या पता चल रहा है? एडिशनल कि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये और कोई नहीं है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। देर विल बी एडिशनल फिक्स कैश ओवर हेड ऑफ रुपीज 50,000 ईच ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट टूडेज प्राइस लेवल। कह रहे आज की कीमत के लिहाज से 50,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? साल के बाद जो ईयर वन होगा इसमें प्राइस लेवल क्या होगा? इसके इसके 50,000 प्लस एक साल की इन्फ्लेशन, फिर उसी तरह आगे चलता जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट को भी इन्फ्लेट करना है, फिक्स कॉस्ट को भी इन्फ्लेट करना है, सेल प्राइस को भी इन्फ्लेट करना। द कंपनी एक्सपेक्ट्स प्राइस एंड कॉस्ट टू इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन एट फॉलोइंग एनुअल रेट्स। जो इंक्रीज होगा प्राइस में और कॉस्ट में, इस हिसाब से होगा। सेल्स के हिसाब से एनुअल इन्फ्लेशन रेट, इसका मतलब है सेल्स को हमने जब भी इंक्रीज करना है 5% के लिहाज से इंक्रीज करना है। ईयर वन में 5% की पावर वन, ईयर टू में 5% 1.05 पावर टू, ईयर थ्री में 1.05 पावर थ्री, ईयर फोर में 1.05 पावर फोर। और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे करना है? 8% से। फिक्स कॉस्ट को भी 8% से। अच्छा, अब इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को इकट्ठा करके एक ही दफा 8% पे लगाए। हम इस अप्रोच के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन कर लेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, क्योंकि हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये 6 कर दे और ये 8 कर दे और आपके जहन में आ जाए वो क्लास में फिक्स और वेरिएबल को हमने ऐड किया था टोटल कॉस्ट को, तो इधर भी टोटल कॉस्ट पर नहीं करना, अलग अलग करेंगे। इक्विपमेंट डिस्पोजल वैल्यू 6% के लिहाज से इक्विपमेंट होगा। The company's money cost of capital is 12%. Company's money cost of capital क्या है? ये किस लिए दिया उसने? डिस्काउंट करने के लिए। और ये रेट किस लिए दिया ऊपर? कैश फ्लो को इन्फ्लेट करने के लिए। ये रेट किस लिए दिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट किस लिए? डिस्काउंट कर। ये रेट डिस्काउंट करने के लिए तो नहीं दिए ना, ना 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 ना। अच्छा, ये रेट इन्फ्लेट करने के लिए तो नहीं दिया कैश फ्लोस को? नहीं नहीं नहीं, कैश फ्लोस के लिए ये रेट यूज होगा और डिस्काउंट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? बजाहिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ठीक है, करके देखते हैं शायद कोई प्रॉब्लम हो। वैसे मेरा ख्याल है होगी नहीं कोई प्रॉब्लम। बहरहाल कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट, अब बताते जाइए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट की। हियर नॉट में इक्विपमेंट, हियर नॉट में ये कितना आएगा? 150,000 आउटफ्लो है, ये है 150,000 आउटफ्लो। और ईयर फोर में इनफ्लो कितना? 10,000। 10,000 नहीं, फिर कितना? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 पावर 4। ये 1.06 कहां से आया? इन्फ्लेशन रेट उसने दिया हुआ है। ये पावर 4 कहां पे आया? प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है और 4 साल के एंड पे मिलेंगे पैसे। करें कैलकुलेशन, क्या आता है ये? 1.625 गया 1.625 इनफ्लो। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आगे चलते हैं।
The selling price of the product at today's price would be rupees 10 per unit. आज की कीमत, आज का मतलब क्या है? Here not. 10 होगी. अब सेल्स को ले लेते हैं हम, ठीक है? Year one की सेल्स कितनी होगी? 20. ये सेल्स आ गई. अब सेल्स, Year not की सेल तो कोई नहीं है, Year one की सेल कितनी है? 20,000 into 10 into 1.05 power 1, यही है. Year two की कितनी होगी? पहले सारी ये कर ले, इकट्ठी कैलकुलेशन करेंगे बाद में. ये नहीं कि पहले बार बार वर्किंग करें फिर कैलकुलेटर पे जाएं, फिर वर्किंग करें फिर कैलकुलेटर पे जाएं, फिर वर्किंग करें फिर कैलकुलेटर पे जाएं, फिर वर्किंग करें फिर, ऐसे नहीं करना. टाइम बचाना है. टाइम बचाने के लिए क्या करना, पहले सारी वर्किंग लिख दें उसके बाद एक ही दफा कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करेंगे. ईयर टू में बताइए, अब 40,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 2, फिर 60,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 3, फिर 20,000 इंटू 10 इंटू 1.05 पावर 4. क्लियर? अब जरा करते जाएं कैलकुलेशन. एक स्टूडेंट बताए मुझे, 2,10,000 इनफ्लो ईयर टू में, 441,000 ईयर थ्री में, 69.5. एक मिनट बस, 694575 और फोर में 243101. ये लीजिए, ये आपके सामने सेल्स आ गई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के साथ. क्लियर? अब इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे, वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 6. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? रुपीज 6. रुपीज, ये माइक चेंज करवा दे, दूसरा में देते हैं, ये अभी भी डिस्टॉर्शन कर रहा है जी. अच्छा, नेक्स्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट चूंकि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल्स पे, तो इसका फार्मूला वही होगा. फर्क सिर्फ ये होगा, यानी हमने रेट और इन्फ्लेशन इसकी अपने वाली यूज करनी है. इसका रेट क्या है? 6. और इन्फ्लेशन क्या है? 8%. तो ये यूं बन जाएगा फार्मूला, 20,000 इंटू 6 08 पावर 1, फिर 40,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 2, फिर है 60,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 3, फिर है 20,000 इंटू 6 इंटू 1.08 पावर 4. ये वर्किंग क्लियर है? जी, अब बताइए. पहले का 129600, ये 2799 36 4,53,496 और ईयर फोर में 2,7,2,16,3,2,5,9. ये देखे, मैच होती है कैलकुलेशन सबकी. ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मैच होती है तो हाथ उठाइए. शाबाश शाबाश. आउटफ्लो है, यस. ये लीजिए, इसको भी आउटफ्लो कर देते हैं. ये हो गया आउटफ्लो. ये लिए, ये लीजिए, ये और ये. अगर हम ये आउटफ्लो ना करते तो हमारा क्वेश्चन सही होता क्या? गलत होता, क्योंकि सारा नीचे नेट कैश फ्लो गलत आता, डिसीजन गलत आता. नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितनी है?
50,000 है, ठीक है, फिक्स फिक्स थाउजेंड उसने खुद से दे दिए सारी। फिक्स कॉस्ट कितने 50,000, तो ईयर नॉट में तो नहीं होगी ना, ईयर वन में क्या आएगा? 50,000 इंटू 1.08 पावर 1, 8% है, हाँ जी बिल्कुल। फिर 50,000 इंटू 1.08 पावर 2, फिर 50,000 इंटू 1.08 पावर 3, फिर 50,000 इंटू 1.08 पावर 4, कोई इशू नहीं। हमने सिर्फ उसने जो इन्फ्लेशन रेट दिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। आगे चले, 54,000 58320 62986 68025 68025 4, चले कोई नहीं, राउंड ऑफ कर ले। फिक्स क्लास हो गई, बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं, सेल्स हो गई, फिक्स इक्विपमेंट डिस्पोजल, बस ठीक है। अब टोटल करें, ओके आउटफ्लो ये लीजिए, ये हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी। अब नेट कैश फ्लोस क्या होंगे हमारे? नेट कैश फ्लोस ईयर नॉट में 150,000 नेगेटिव, और ये 26 2,6,4,00 पॉजिटिव है, इनफ्लो है, और ये 2 में 1,0,2,7,4,1,7,8,0,9,3,11,8,1,8,2,2,4,2,2,3,4,2 3 कर लें, चले कोई नहीं, एक आधा ऊपर नीचे। ये इनफ्लो ही है ना? Yes, चलिए अब ये आपके सामने आ गए सारे नेट कैश फ्लो। अब क्या करना है? किस रेट पे कैसे होगी? माइनस वन करते जाए, माइनस 150,000 प्लस 26,400 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 1 प्लस 1,0,2,7,4 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 2 प्लस 1,78,0,9,3 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 3 प्लस 2,4,4,4,3 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 4। अब बताइए नेट प्रेजेंट कितने आए? 97810 कैलकुलेशन मैच होती है जी, 9,777 कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क हो सकता है, कोई 35 भी कोई बात नहीं, थोड़ा थाउजेंड है ना, परसेंटेज में आपने डिफरेंस को हमेशा आपने परसेंटेज में देखना है, वो पॉइंट अगर 1% से कम का डिफरेंस होता है तो वो कोई नहीं प्रॉब्लम, मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, डिफरेंस हमेशा परसेंटेज में देखेंगे। पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्लियर? इसमें कोई इस क्वेश्चन में नई चीज हमने क्या सीखी कि अगर हर आइटम का अलहदा इन्फ्लेशन रेट दिया हो तो हमने हर आइटम को उसके रेलिवेंट इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट करना है, क्लियर? ये जो इस क्वेश्चन में आपने नई चीज सीखी है इसको कहीं पे नोट कर ले, इसको कहीं पे नोट करना। और कोई नई चीज सीखी आपने इसमें? और कोई नई चीज? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 49। अच्छा 49 में ना कुछ मेरे इख्तलाफात हैं, एक बड़ा इख्तलाफ है, पता नहीं आपका हो या ना हो। कितने स्टूडेंट ने 49 किया है? 49, शाबाश। अब तो वैसे ये क्वेश्चन इतने किए हैं आपको आसान नहीं लगते होंगे, फॉर्मेट बनाना है, फिगर पुट करनी है, मुझे खुद आसान लगना शुरू हो गया।
चलिए ये है जी हमारा 49। वो किधर है भाई को बुला ले जरा। ये इसको नोट करना है आपने तो कर ले, वरना इसके बाद हम इरेज करके इसको नया फॉर्मेट बनाने लगे। कर दे रेस। चलिए अब हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल 49। तैयार है? पहले डिस्कस कर लें फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे इसको। एग्जाम में भी आपने फौरन क्वेश्चन देख के पहले फॉर्मेट नहीं बना लेना, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है, इसकी एडजस्टमेंट्स को अपने जहन में दोहरा लेना है, इसके बाद फिर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना। ट्रॉपिकल जोश टीजे इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग ए प्लांट इन ए बिल्डिंग व्हिच इज ओन्ड बाय टीजे बट हैज बीन रेंटेड आउट एट ₹6 मिलियन पर एनम। कह रहे हैं हमने एक्सपेंशन तो करनी है लेकिन अपनी ही बिल्डिंग में करनी है, कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदनी। अगर कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदनी तो इसका मतलब है कोई आउटफ्लो ही नहीं होगा। ऐसे है, कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदनी। वो कहता है लेकिन ये जो आपने रेंट अब कमा रहे हैं ना अभी, ये नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए जब हम एग्जिस्टिंग रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स की कॉस्ट थी वो तो नहीं है, लेकिन जो उससे हमें इनकम अर्न हो रही है वो तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। तो क्या उसको हम अपनी रेलिवेंट कैश फ्लो में इंक्लूड करें? बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 40 मिलियन है, ये हमारे लिए इररेलीवेंट है। क्यों इररेलीवेंट है? ये अभी नहीं खरीदनी, ये पास्ट में खरीद चुके हैं, ये इररेलीवेंट है। लेकिन उस बिल्डिंग से जो रेवेन्यू आ रहा था वो अब हमें नहीं आएगा, वो इस डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। वो इस डिसीजन हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की वजह से हमें अब वो नुकसान उठाना पड़ा ना, तो इसका मतलब है अब हम 6 मिलियन हमारा आउटफ्लो होगा। वे एग्री करते हैं? 40 मिलियन क्यों नहीं होगा? पहले ही कर चुके हैं, 6 मिलियन क्यों होगा? हमारे डिसीजन की वजह से ये सैक्रिफाइस करना है। ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो? सारे का सारा ईयर नॉट में होगा क्या? नहीं, ये इनफ्लो हर साल हुआ करता था, तो अब इसका मतलब जो हमने सैक्रिफाइस किया ये भी हर साल में आएगा। ईयर वन में 6 मिलियन, ईयर टू में 6 मिलियन नेगेटिव, ईयर थ्री में 6, अगर उसने इन्फ्लेशन नहीं दी हुई तो। अगर इन्फ्लेशन दी हुई है तो आपको पता उस लिहाज से इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कर देंगे, और क्या करना भाई। ऐसे ही है ना, रेंट की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, कॉस्ट हम हर केस में, ये हमारे लिए नई चीज आ गई, बिल्डिंग की कॉस्ट हम हर केस, क्योंकि बिल्डिंग नहीं खरीदते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम भला? चलिए कह रहे हैं रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 40 मिलियन एंड इट्स डेप्रिसिएटेड एट 5% पर एनम। बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं हमसे कॉस्ट का। द रेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम। हाँ, रेंट इज इंक्रीज बाय 5, इसका मतलब क्या हुआ? ईयर वन का रेंट क्या होगा? 46 मिलियन इंटू 1.05 पावर 1, और ईयर टू का क्या होगा? 6 मिलियन इंटू 1.05 पावर 2, और ईयर थ्री का क्या होगा? 6 मिलियन इंटू 1.05 पावर 3, और ईयर फोर का क्या होगा? 6 मिलियन इंटू 1.05 पावर 4। रेंट क्लियर हो गया, अब हमने इसको इन्फ्लेट भी करना है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इंस्टॉलेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60 मिलियन। ये कौन सी नई चीज आ गई है? अच्छा, बिल्डिंग अलहदा होती है और प्लांट अलहदा होता है। ओके, तो प्लांट कह रहा है, वो कह रहा है कि जी प्लांट जो आपने खरीदना है, अब ये खरीदना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा, ये 60 मिलियन का होगा, ये 60 मिलियन का होगा। टीजे डेप्रिशिएट्स प्लांट एंड मशीनरी एट 25% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 4 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते रहे, नहीं हर साल अकाउंटिंग में ऐसे नहीं करते थे, एसेट की लाइफ 4 साल है 25% के लिए, अकाउंटिंग में ऐसे ही करते, इसमें ऐसे नहीं करना। ये कैश फ्लोज है, इसमें हमने सारे का सारा जितने का इक्विपमेंट आया है ईयर नॉट में आउटफ्लो होगा, और ईयर फोर एंड ऑफ, ये भी 4 साल का है। चले ठीक है, आगे चल के पता चल जाएगा कितने साल का, जितने भी साल का है। हाँ, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू इनफ्लो आएगी, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10% ऑफ कॉस्ट, 6, यानी इतने पैसे हमें मिल जाएंगे।
10% ऑफ कॉस्ट, वो जितने भी हैं 6 मिलियन आएंगे. फोर, एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज 25 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड ऑन कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये ईयर नॉट में 25 मिलियन आउटफ्लो होगा, ईयर फोर में इनफ्लो. ये तो कहीं नहीं लिखा, ईयर फोर में ये इनफ्लो भी होगा, ये तो कहीं नहीं लिखा. तो भाई अंडरस्टूड है, जो भी वर्किंग कैपिटल होता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसने एडजस्ट होना है. एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसने, ये अंडरस्टूड है, वर्किंग कैपिटल जो आपने लगाया है वो वापस मिल जाएगा आपको. जैसे फिक्स एसेट्स जो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट बेच के वापस मिल जाते हैं ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिकवरी नहीं होगी. वो भी वापस मिल जाता है, ठीक है. वर्किंग कैपिटल होता है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो जरूरी है. अब जो ऑपरेशंस ही खत्म तो उनके लिए पैसा भी नहीं चाहिए. ये भी 25 मिलियन. नेक्स्ट, डिफाइंड का लफ्ज मुझे लगता है उसने गलती से टाइप कर दिया. सेलिंग प्राइस ऑफ द जूस वुड बी ₹350 per liter. सेल्स क्वांटिटी इज प्रोजेक्टेड एज अंडर 250,000. अब ये भी देखे, ये अमाउंट है कि क्वांटिटी है, ये गलती आपने एग्जाम में नहीं करने. सेल्स को ध्यान से देख लेना, अमाउंट्स में है कि क्वांटिटी में. क्वांटिटी में है तो इसका मतलब आप इसको सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है. 250 एक मिनट इसको भी एडजस्ट करना. ये टू ईयर वन में कितनी सेल होगी? 250 into 350. और ईयर टू में 300 into 350. ईयर थ्री में 320. और इसी तरह चलता जाएगा. लेकिन इसमें क्या इन्फ्लेशन है? अभी तक उसने नहीं बताया. अब नीचे देखो, वेरिएबल कॉस्ट वुड बी ₹180 per liter. अब ये इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट भी सेल्स के लिहाज से 250 into 180, 300 into 180, 320, 290. फिक्स्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹100 per liter बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 280,000 liters. फिक्स्ड कॉस्ट उसने हमें दिया कि नहीं दी? फिक्स्ड कॉस्ट है 100 नहीं है, 100 per liter कहा हुआ है. इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है वाला? 280,000 into 100. कह रहे हमने 280,000 के ऊपर कैलकुलेट किया है तो वो 100 पर लीटर बनती है. तो इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 280,000 into 100 कितने मिले? 28 मिलियन. तो फिक्स कॉस्ट 28. फिक्स कॉस्ट इंक्लूड ईयरली डेप्रिसिएशन माउंटिंग टू ₹16 मिलियन. फिक्स कॉस्ट में माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को नहीं हम लिखते, पक्की बात है. एलोकेटेड ओवरहेड्स को भी नहीं लिखते. तो इसका मतलब है जो इस प्रोजेक्ट के अपने फिक्स होंगे कॉस्ट, वो कितनी आ गई? 28 मिलियन माइनस 16 मिलियन. 28 मिलियन कहाँ से आया? उसने दिया हुआ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके. और 12 मिलियन जो ये 16 मिलियन लेस कर दिया हमने, 12 मिलियन आ गया, जो कि इसका एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट. तो आपको पता है हम तो कैश फ्लोस में डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं, इसीलिए एक्सक्लूड किया. 16 मिलियन को क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो में नहीं लेते, नॉन कैश आइटम है ना. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 5% per annum एंड वुड इफेक्ट द रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंसिस. अच्छा, पिछले क्वेश्चन की निस्बत ये थोड़ी जिंदगी आसान होगी हमारी. कैसे? सेम. तीन पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम. मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटीज है. एक, हर आइटम हर साल के लिए सेम रेट. दूसरा, हर आइटम का सेम रेट लेकिन हर साल में चेंज हो सकता है, ये नॉर्मली वैसे टेस्ट नहीं करता. तीसरा, हर आइटम का डिफरेंट रेट जो कि हर साल सेम रहेगा. समझ आ रही है बात की? यानी एक वो वर्टिकल सबके लिए रेट सेम किया, एक हॉरिजेंटल के लिए सेम किया. अगले के लिए डिफरेंट होगा लेकिन उसका सारे सालों के लिए सेम होगा. और एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही सेम. ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही सेम. 5% हर आइटम का, 5% हर साल का, 5%.
क्लियर ये। अब आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 50%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम कौन से कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करते हैं? किसी कैश फ्लो। तो फिर ये कैसे? ये इन्फ्लेट करने के लिए नहीं, ये तो डिस्काउंट के लिए यूज होता है। ये तो इन्फ्लेट करने के लिए, यानी ये आगे जाने के लिए, ये वाले जो रेट है ना इन्फ्लेशन, ये आगे जाने के लिए यूज होते हैं, और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है पीछे आने के लिए यूज होता है। ये दोनों रेट्स में फर्क रखना आपने। शुरू करें कहानी। अच्छा, इसको आपने आईकैप के सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करना, हमारा क्वेश्चन फर्क आएगा और आपने बताना फर्क किस चीज की वजह से। ठीक है, सबसे पहले रेंट 6 मिलियन है, आपको हर साल 6 मिलियन सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो ये 6 मिलियन हमारा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो? आउटफ्लो होगा 6 मिलियन। हाँ, यहां पे लिखेंगे रेंट सैक्रिफाइज्ड, रेंट सैक्रिफाइज्ड। ईयर वन में कितना? ईयर वन में है 6 × 1.05 × 1, फिर 6 × 1.05 × 2, फिर 6 × 1.05 × 3, फिर 6 × 1.05 × 4। नहीं नहीं, ये वही है, ये इसका इंक्रीज यही है। ये उसने असल में इन्फ्लेशन, ये अगर ना भी देता ना, ये अगर ना भी देता तो फिर भी हम इसको करते हैं। हाँ जी, ये उसका इन्फ्लेशन रेट ही वो बता रहा है कि किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक, अच्छा अब देखें ये कितना आया ईयर वन का, 6.3 मिलियन। ये रुपीज इन मिलियन है, ऊपर लिख दें रुपीज इन मिलियन। ईयर टू में 6.95, 7.29। ट्रीटमेंट क्लियर है इसका? आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इग्नोर। क्यों? पास्ट में ही एक्वायर कर चुके, प्रोजेक्ट के लिए नहीं खरीद रहे, रेंट भी हो गया। कॉस्ट ऑफ द प्लांट इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड है 60 मिलियन। प्लांट आउटफ्लो। अच्छा एक मिनट, बिल्कुल एक मिनट, अभी इसको आउटफ्लो कर लेते हैं। ये हो गया आउटफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो, ये आउटफ्लो। नहीं, रेंट असल में जो इंक्रीज हो रहा है वो इन्फ्लेशन ही है, वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। नहीं, लेकिन हमने जो यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो मनी का क्या, मनी कैश फ्लो है ना, जो हमें उससे इतना कैश फ्लो रिसीव होगा, ठीक है, तो वो उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्लांट, ये कितना है? 60 मिलियन। तो ये नॉट में आउटफ्लो 60 मिलियन और इनफ्लो 6 मिलियन। ठीक, इनफ्लो पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मेरे ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना उस पे इंपैक्ट आता है उसका, वो बता देता है कि आज के टर्म्स में इतनी उसकी अमाउंट है। जी, आफ्टर रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 4 ईयर इज एस्टिमेट। हाँ जी, इसमें, हाँ इसमें मैं भी यही कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन का इफेक्ट होना चाहिए। एक मिनट ठहरिए, उसने इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया कि जो आफ्टर 4 ईयर इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी वो टुडेज प्राइस में है कि फ्यूचर की प्राइस में है। ऐसा ही है, क्लास में कितने स्टूडेंट को लग रहा है
कि ये 4 ईयर के बाद जो प्राइस है ये 2 डेज प्राइस है, और कितनों को लग रहा है ये फ्यूचर की प्राइस है, ये फ्यूचर की प्राइस है ना, तो इस सूरत में इसके डिस्काउंट जो इसको हमने इन्फ्लेट नहीं करना, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर वो हमें इसकी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज बता देता और ये कह देता कि आज की में ये प्राइस है, तो उस सूरत में हम इन्फ्लेट करते। अब उसने चूंकि एट द एंड ऑफ द ईयर की अमाउंट बता दी, एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी अमाउंट होगी, तो इसका मतलब वो फ्यूचर वैल्यू है उसकी। नेक्स्ट, इसी तरह इसका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में भी यही पॉइंट है। आज का वर्किंग कैपिटल कितना है? 25 नेगेटिव। और ये 25 ईयर एंड पे हमें मिल जाएगा। अच्छा, ईयर एंड जो जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 25 मिलियन ही मिलेगा ना, 25 मिलियन, बढ़ के तो नहीं मिलेगा। आपने जब किसी को आज 25 मिलियन दे दिया तो 4 साल के बाद वो आपको 25 मिलियन ही वापस करेगा। 4 साल के बाद कितना करेगा? असल में एक कंसेप्ट है मनी कैश फ्लो। मनी कैश फ्लो का मतलब है जो पैसे आपको मिलेंगे, मिलेंगे कैश प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो हमने 25 मिलियन इन्वेस्ट किया है, पे बैक 25 मिलियन ही होगा। अब ये बात भी आपके जहन में आ रही होगी कि 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई है। वो जो वैल्यू कम होती है वो डिस्काउंट रेट के जरिए से एडजस्ट होती है। अभी तो ये 25 मिलियन ही हमें मिलेगा ना, ठीक है। जैसे वही फिक्स एसेट वाली एग्जाम्पल, अगर वो हमें ये कहे कि 4 साल के बाद आज के रेट के मुताबिक, आज स्क्रैप का रेट है 10,000, 4 साल के बाद ये 10,000 आज की प्राइस के मुताबिक 10,000 में सेल होगा, तो हम ईयर 4 में इसकी प्राइस क्या लेते हैं? 10,000 नहीं, इन्फ्लेट करके। लेकिन अगर कहे 4 साल के बाद इसकी वैल्यू 10,000 होगी, तो फिर इसका मतलब है उसने हमें 4 साल के बाद इन्फ्लेट करके बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये वर्किंग कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पैसे रखे हुए हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, वर्किंग कैपिटल आपने बिजनेस में रखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल यू समझ लीजिए आपने अपने ऑफिस के दराज में पैसे रखे हुए हैं रोजमर्रा के अखराजात के लिए, बताइए ये 4 साल के बाद 25,000 ही रहेंगे कि बढ़ जाएंगे? 25,000 ही रहेंगे ना इन टर्म्स ऑफ कैश। तो इसलिए यहाँ पे 25 मिलियन ही रिकवर होगा, 25 मिलियन ही रिकवर होगा। भाई क्लियर हुआ ये पॉइंट के नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका ये जो नई चीजें होंगी ना क्वेश्चन में एंड पे, आपने इसको लिख लेना है। नई चीज क्या होगी कि अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू 4 साल के बाद की दी हुई है उसको इन्फ्लेट नहीं करना, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है इसको इन्फ्लेट नहीं करना। इसके पीछे वर्किंग कैपिटल के पीछे कंसेप्ट यह है कि ये कैश है ना आपका, आपने अगर अपने बैंक अकाउंट में वर्किंग कैपिटल 25 मिलियन रखा हुआ है, ठीक है, या अपने पास संभाल के रखा हुआ है बिजनेस में, वो कैश की शक्ल में है, 25 मिलियन कैश की शक्ल में है ना, वर्किंग कैपिटल कैश की शक्ल, यानी कैश बिजनेस में रख के फिर उसे आइचलाई करते हैं ना, उससे वो किसी रॉ मटेरियल बाय कर लिया, वो क्रेडिट सेल कर दी वगैरह वगैरह, उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। तो 4 साल के बाद भी 25 मिलियन ही आपको वापस मिलेगा। देखिए आप एक चीज ध्यान में रखिए, कैश की वैल्यू और है, चीजों की वैल्यू और है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होती है चीजों की वैल्यू बढ़ती है, लोहे सरिये का रेट बढ़ेगा, कॉपर का रेट बढ़ेगा, उसको तो आपने इन्फ्लेट करना है। आपने आज कोई लोहा रखा हुआ है 4 साल बाद बेचना है, उसका आज का रेट और होगा, 4 साल बाद का रेट और होगा, ऐसे ही है, ये बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन। लेकिन आज अगर कैश रखा हुआ है 1 लाख, 4 साल के बाद भी मुझे बताइए वो क्या उसका रेट बदल जाएगा? कैश का रेट तो वही रहेगा ना, ये वर्किंग कैपिटल कैश है, वर्किंग कैपिटल कैश है,
ठीक है। हाँ, फिक्स कॉस्ट की रेजिडुअल वैल्यू में उसमें आप ठीक सोच रहे हैं, उसमें सम टाइम हमने इन्फ्लेट करना है, सम टाइम नहीं। वर्किंग कैपिटल को कभी नहीं करना ना, फिक्स एसेट को कभी, डिस्पोजल हमने कभी करना है कभी नहीं करना। कब करना है? जब क्वेश्चन में कहेगा कि रेजिडुअल वैल्यू आज की कीमत में है। और कब नहीं करना? जब कहेगा कि रेजिडुअल वैल्यू 4 साल बाद की है। भाई समझ आ रही है? नहीं आ रही भाई? आ रही है। अच्छा, 1 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 साल के बाद इन्फ्लेशन हो गई 50%, वो जो 1 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है अब कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख ही पड़ा। 2 साल बाद भी 1 लाख ही पड़ा हुआ है, 1 लाख ही पड़ा। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन मैं जब ट्रांसफर करूंगा वो तो 1 लाख ही होगा ना। अब जो उसकी वैल्यू कम हुई है ना, वो हम भी करते हैं। और कैसे करते हैं? एंड में जब डिस्काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ जूस वुड बी ₹350 पर लीटर, अब पर लीटर। अब वैसे यहां पे उसे बताना चाहिए था क्या कि 350 टुडे प्राइस है, 350, लेकिन नहीं बताया। फिर भी हम समझ सकते हैं कि आज 350 है तो बाद में इसने इन्फ्लेट होना ही होना है। ठीक है, चीज की कीमत है ना, इस पे तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत बेहतर होता अगर वो बता देता। अब सेल्स, सेल्स ये कितने हैं ईयर वन में? यूनिट्स कितने हैं? 250,000। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सजेशन है पहले यूनिट लिख लिया करें, यूनिट लिख, इसलिए कि यूनिट लिखेंगे तो सेल्स की कैलकुलेशन में और वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन में सिमिट्री आ जाए करेगी। तो यूनिट लिख लेते हैं। सेल्स की कितने यूनिट है जी? ईयर नॉट में तो कोई है ही नहीं, ईयर वन में 250,000। तो ये वर्किंग मुझे ऐसे करने है, तो ऊपर मिलियन में बता दीजिएगा, ऊपर मिलियन में बता दीजिएगा। 250,000 इंटू 350 इंटू 1.05 पावर 1। ये नजर आ रहा है एंड वाले भाईजान? एंड वाले भाईजान जो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, वो बताइए ये वर्किंग नजर आ रही है? बोले क्या वर्किंग है? 2.5 मिलियन तो मैंने लिखा ही नहीं। खुदा को, और 250,000 है। 250,000 कहां से आया? ईयर वन की सेल है, ये 350 है। 350 कहां से आया? उसकी सेल प्राइस है। और ये 1.05 क्यों लिखा? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है। इसकी पावर 1 क्यों लिखी? पहला साल, पहले साल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है? आता है। और ईयर नॉट में आता है? नहीं आता, शुक्र है। ईयर टू में जाइए, 300,000 है यूनिट। 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 2। थ्री हंड्रेड थाउजेंड किस तरह आया? 300,000 इस तरह आया। नीचे नॉर्मल कैपेसिटी तो एक्चुअल नहीं होती, वो तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करे। नॉर्मल कैपेसिटी वो आपने कॉस्ट में नहीं पढ़ा होता, वो ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, वो किस वजह से आते हैं एक्चुअल ना? ये हमें फाइनेंस से उठा के कॉस्ट में ना लेके जाए। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी में फर्क होता है। मैंने कोई 20 साल हो गए कॉस्ट काउंटिंग बड़ी हुई, लेकिन अभी तक मुझे इतना पता है कि नॉर्मल कैपेसिटी कुछ और होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी और होती है। इस क्लास में नॉर्मल कैपेसिटी शायद 100 हो, लेकिन इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 130 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे 110 स्टूडेंट्स है तो आप परेशान ना हो जाए, नॉर्मल कैपेसिटी 100 है और ये 110 कैसे आ गए? आ सकते हैं, आ सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, छत पे भी लड़ सकते हैं। ठीक है,
है? आगे चलते हैं, ईयर थ्री में 320,000, 320,000 इंटू 350 इंटू 1.05 पावर 3, नजर आ रहा है आपको? किनको? ऑनलाइन वाले को आपसे अच्छा नजर आ रहा होगा, मुझे कैसे? उन्होंने क्लोज किया, जूम इन जूम आउट ऑप्शन पता है? आप अपनी आंखों को जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, वो कैमरे वाले भाई कर सकते हैं। फिर लास्ट 290,000 इंटू 350 इंटू 1.05 पावर 4। चले, कल से हम जो डब्बे बनाएंगे ना, वो थोड़े बड़े बड़े बना देंगे, ठीक है भाईजान? हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये शिकायत दूर हो जाए, अभी फिलहाल इन्हीं से गुजारा करना। सेल्स कैलकुलेट करें, पहले बताएं कैलकुलेशन में किसी को कोई इख्तलाफ तो नहीं है? ओके, मिलियन में 91.875, ये मिलियन में है, मिलियन में रखिएगा, नीचे वर्किंग मैंने एग्जैक्ट किया, ऊपर बिलियन में 115.76, 123.65, 123.37, 123.37। क्लियर? अब क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो गया, सेल प्राइस हो गई। बेहतर ये होता है कि जिस तरतीब से क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, आप उसी तरतीब से उसको रिकॉर्ड करते जाएं, आगे पीछे ना करें, ठीक है? क्योंकि उमिट होने का खतरा होता है, जैसे काउंटिंग में भी आपको टीचर सिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में जिस तरतीब से आइटम्स आ रही हैं उसी से पिक एंड ड्रॉप करते जाएं, वरना अपनी मर्जी की एडजस्टमेंट करेंगे ना तो फिर उसमें दरमियान में उमिट होने का खतरा होता है। वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 180 पर लीटर, तो कर लेते हैं, इसमें क्या मसला? वेरिएबल कॉस्ट 180 है ना, तो इसका मतलब यह है बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ वो फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट में आ गया, अभी तो वेरिएबल पे लग रहे हैं, बस सारा फार्मूला सेम होगा सिवाय 350 की बजाय क्या आ जाएगा 180। यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 250,000 इंटू 180 इंटू 1.05 पावर 1, यानी 250,000 नेक्स्ट ईयर में। ओके, 300,000 इंटू 180 इंटू 1.05 पावर 2, नेक्स्ट 320,000 इंटू 180 इंटू 1.05 पावर 3, नजर आ रहा? ये क्या लिखा हुआ वाला ऊपर क्या लिखा? 290,000 इंटू 180 इंटू 1.05 पावर 4, कैलकुलेशन 43.45, और आपने अपनी फेवरेट एडजस्टमेंट नहीं करवाई मेरे से, हाँ जी, आउटफ्लो। ये लीजिए भाई, ये हो गया, अब क्या करना है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आएगी? कॉस्ट पे आएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट पे आएगी, फिक्स पे भी आएगी। फिक्स कॉस्ट है कितने?
नॉर्मल कैपेसिटी 280,000 है और 280,000 पे इनका जो फिक्स कास्ट होती है 100 पर लीटर है, तो टोटल फिक्स कास्ट कितनी हुई? 280,000 इंटू 100 कितनी? 28 मिलियन माइनस जो डेप्रिसिएशन को तो हम नहीं ना रहते, कैश फ्लो में काम कर रहे हैं, तो हमारी कितनी फिक्स कास्ट आ गई जो इस प्रोजेक्ट की है? 12 मिलियन तक सारे पहुंच गए हैं। 12 मिलियन कैसे आया 12 मिलियन? पहले हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की, कितनी है? 28 मिलियन। वो कैसे आई? नॉर्मल कैपेसिटी उसने दी हुई थी, उसने मैं बता दिया ना कि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट की, हमने कहा हम भी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसने 100 टोटल आ गए, इसमें से नॉन कैश आइटम अलहदा कर दी डेप्रिसिएशन वाली, तो बाकी कैश में फिक्स एसेट कितने आ गए, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 12 मिलियन। फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन आ गई, तो इसको 12 मिलियन नेगेटिव कर दो, क्या करो? 12 मिलियन। तो फिक्स कॉस्ट का कौन सा इन्फ्लेशन रेट है? वही जो सबका 12 मिलियन इनटू, अब ये मैं मिलियन में ही कर देता हूं, 1 × 1.05 power 1, 12 मिलियन इंटू 1.05 power 2, 12 मिलियन इंटू 1.05 power 3, 12 मिलियन इंटू 1.05 power 4, जो साल वही पावर। क्या लिखा हुआ है बता रहे? क्या शर्मा गया बारह के बाद ऐसे करके कुछ लिखा, एम लिखा हुआ है 12 मिलियन, मिलियन की एब्रीविएशन है लिखा हुआ है। फिक्स का अब बताइए कितना है? 12.6, 13.23, 13.89, 14.58 आउटफ्लो। अब क्या रह गया? कुछ नहीं, सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारी आइटम कंसीडर कर, कोई रह तो नहीं गई। ओके, तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया? नेट कैश फ्लो जी भाई, कैलकुलेशन हमारे, अच्छा फर्ज कीजिए एग्जाम में इतना करके मेरा क्वेश्चन टाइम खत्म हो गया, एग्जामिनर मुझे मार्क्स देगा? yes, बिल्कुल मार्क्स देगा, सारी कैलकुलेशन को मिलेंगे मुझे, मोर देन 80% मार्क्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैलेंस शीट में आपने सारे एसेट लाइबिलिटी की फिगर लिख दी, लेकिन अब एंड पे टोटल कर रहे हैं, ये हमारा वही स्टेप है, एंड पे टोटल कर रहे हैं। अब बताइए 85 मिलियन नेगेटिव, 25.725 नेगेटिव, नेगेटिव है ओके, फिर 36.39, 42.134, 75.46। अब क्या करना है? डिस्काउंट 50 कैसे आएगा? माइनस 85, शुरू माइनस से करना है, माइनस 85 प्लस 25.725 डिवाइडेड बाय 1.15 power 1, 36 प्लस 36.39 डिवाइडेड बाय 1.15 power 2 प्लस 42.134 डिवाइडेड बाय 1.15 power 3 प्लस 75.46 डिवाइडेड बाय 69.02, ये 7.29 नहीं लिया था आपने, अच्छा 69.05
डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4। अब देखे जरा 32.06 पॉजिटिव है। यस सर 32.06 या 07 जो भी है पॉजिटिव एनपीवी है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे सारे पहुंच गए यहाँ तक। अब देखिए हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कंसेप्ट सीखना। हर क्वेश्चन करने के बाद आपने सोचना है, 5 मिनट की अपने आप को ब्रेक देनी है और सोचना है इस क्वेश्चन में मैंने क्या नई चीज सीखी। जो भी नई चीज सीखी उसको अलहदा से किसी पेज पे नोट लाजमी करना है। ये आपके रिवीजन नोट्स बनेंगे बेहतरीन किस्म के, ऐसे के दुनिया में कोई उस्ताद भी इतने अच्छे आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए नोट्स नहीं बना सकेगा जो आप खुद से बनाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन में आपने नई चीज क्या सीखी। एक तो बिल्डिंग वाला पॉइंट सीखा कि अगर बिल्डिंग खरीद नहीं रहे अपनी है और उसको यूज कर तो जो उससे रेंट या जो भी बेनिफिट मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, वो हमारा आउटफ्लो आएगा। एक चीज हमने नई चीज ये सीखी। दूसरी नई चीज क्या सीखी कि रेजिडुअल वैल्यू, हाँ कि रेजिडुअल वैल्यू अगर उसने फ्यूचर ईयर की प्राइस दी हुई है तो उसे इन्फ्लेट नहीं करना। तीसरी चीज वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट नहीं करना। फिर इसके बाद हाँ के फिक्स कॉस्ट को नॉर्मल कैपेसिटी की बेस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आपने कॉस्ट काउंटिंग में बेतहाशा दफा किया होगा, पढ़ी नहीं है एग्जाम थी। और फिर क्या और तो उसमें बाकी तो कैलकुलेशन ही है, बाकी कैलकुलेशन ही थी ना। अच्छा हाँ लेकिन आई कैप का जब आप सोल्यूशन देखेंगे उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, क्या ईयर वन में उसने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं लिया, हालांकि ईयर वन में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आना चाहिए। हमने इससे पहले इन्फ्लेशन वाला जो आज के लेक्चर से पहले एक दफा किया उसमें आई कैप ने ईयर वन में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिया हुआ, जाके देख ले। इसमें नहीं लिया, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये कैसे कर दिया उसने, ईयर वन में इन्फ्लेशन क्यों नहीं लिया। फिर मैंने बाकी के क्वेश्चन देखे, बाकियों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले रहा था, मैं कहा शायद भूल गया हो। नहीं टुडेज प्राइस का मतलब होता है ईयर नॉट की प्राइसेस, याद रखिए टुडेज प्राइस का मतलब ईयर वन की प्राइस नहीं होता, टुडेज प्राइस का मतलब होता है ईयर नॉट की प्राइस। ठीक है तो उसमें जो पहले ही साल का, और हमने सुने कंसेप्चुअली देखे ना, कंसेप्चुअली सुने हमारा इसमें क्वेश्चन में कैश फ्लोज में प्रोजेक्ट अजम्पशन क्या होती है कि सारे कैश फ्लोज कब अकर हो रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर के एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर करो तो जो ईयर वन के एंड में सारे कैश फ्लोज आ रहे हैं, ये सारे कैश फ्लोज अजम्पशन क्या ले रहे हैं, ईयर वन के में आ रहे हैं ना, तो क्या ये रन के इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा इसमें, आएगा। ठीक है ये हमारी जनरल अजम्पशन होती है, ये आपने शायद पहले पढ़ा होगा किसी जगह पे किसी क्वेश्चन के अंदर कि ऑल कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू अकर आर एज्यूम टू अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रैक्टिकली तो ये सारा साल 365 दिन रोज कुछ ना कुछ सेल हो रही होती है ना, लेकिन आप रोज की बेस पे तो डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते। जी हमने नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल, हाँ इसने बताया ना शाबाश, उन्होंने कहा सर हमने नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल से डिस्काउंट करना, उसने ये बताया नहीं 15% नॉमिनल है कि नहीं है, नॉमिनल है कि रियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ जब कुछ भी ना बताए तो नॉमिनल है, नॉमिनल कैश फ्लोज। क्लियर। चलिए ये था हमारा आज का, दो क्वेश्चन करने थे दोनों कर लिए हमने, अब आपने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 4 और 5 ये अटेम्प्ट करके लाना। ठीक है जी आपकी होम साइड, और कल की भी होम असाइनमेंट अभी दे सुन लें, कल की होम असाइनमेंट 6 और 7 आपकी असाइनमेंट में कल चेक नहीं करूंगा, ना 1, 2, 3 करूंगा, ना 4, 5 करूंगा, ना 6, 7 करूंगा, ये सारी असाइनमेंट आपकी ड्यू है मंडे को, मंडे को। ठीक है तो जो स्टूडेंट अभी नहीं कर सके वो मंडे तक आपने सेल्फ टेस्ट 1 से लेके 7 तक रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। 6 और 7 जो सेल्फ टेस्ट है ना उसमें आई कैप ने वैसे ही किया जैसे करता होता है, क्या भला क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन खड़गा दिया, आपने उधर लाइन लगा लेनी है जहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाए। कल छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कल लाना है, कल हम मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर जी, और कल टेस्ट वाले दिन छुट्टी नहीं होती, कल आपका टेस्ट है छुट्टी नहीं है, टेस्ट की टाइमिंग ओपन है,
और यही टाइम साढ़े सात। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।